मुहर्रम के मौके पर होटल रॉयल इंटरनेशनल मोहम्मद लालो पचम्बा की ओर से किया गया शानदार अखाड़ा कंपटीशन का आयोजन। मुहर्रम की 10वीं तारीख को बरसों से चले आ रहे परंपरागत तरीके से इस बार भी पचम्बा में जगह जगह अखाड़ा कंपटीशन का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। मुहर्रम के 10वीं तारीख को दर्जनों गांव मोहल्लों से सभी सलारे अखाड़ा अपनी अपनी अखाड़ा टीम को अपने नुमाइशी अखाड़े के जौहर दिखाने को लेकर पचम्बा में महाजुटान होते हैं। इस बार भी भारी संख्या में आसिके हुसैनी एकत्रित हुए। वहीं पचम्बा होटल रॉयल इंटरनेशनल के संचालक मोहम्मद लालो के द्वारा एक शानदार अखाड़ा कंपटीशन एवं डंका कंपटीशन का आयोजन होटल रॉयल इंटरनेशनल रज्जाक चौक में किया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू मंचासीन रहे। कंपटीशन में कुल 10 टीमों ने हिस्सा लिया। सभी टीमों ने अपने अपने खेलों का बेहतर प्रदर्शन किया। बता दें कि मोहम्मद लालो जो एक समाजसेवी के रूप में उभरे हुए इंसान, वह किसी भी तरह की त्यौहार हो, ईद, बकरीद, मुहर्रम या जिस प्रकार का भी प्रोग्राम हो, बढ़ चढ़ कर आगे आकर सबकी मदद करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। इसी मौके पर आज मुहर्रम के 10वीं तारीख को भी मोहम्मद लालो द्वारा होटल रॉयल इंटरनेशनल के समीप अखाड़ा कंपटीशन में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने के लिए सभी टीमों को मेडल, ट्रॉफी एवं इनाम राशि देकर सम्मानित किया गया। इस अखाड़ा कंपटीशन में प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपये आफ्ताब मेमोरियल क्लब बिशनपुर, द्वितीय पुरस्कार 5,100 रुपये नौजवान कमेटी सुंदर टाण, तृतीय पुरस्कार 3,100 रुपये हुसैनी क्लब जीतपुर को दिया गया। अखाड़े को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाने के लिए पचम्बा थाना प्रभारी सौरभ राज एवं इंस्पेक्टर अनिल कुमार अपनी पुलिस जवान दल बल के साथ मुस्तैद रहे। सदर विधायक सुदीप कुमार ने सभी अखाड़ा कमेटियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुहर्रम जैसे पाक मुकद्दस मौके पर देश, राज, शहर की अमन चैन की दुआ मांगने की अपील की। वह होटल रॉयल इंटरनेशनल के संचालक मोहम्मद लालो ने देशवासियों, राज्यवासियों एवं शहरवासियों को मुहर्रम की मुबारकबाद देते हुए अखाड़ा कंपटीशन को सफल बनाने के लिए सभी टीमों का एवं समस्त सहयोगियों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर होटल रॉयल इंटरनेशनल के संचालक मोहम्मद लालो, गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, पचम्बा थाना इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह, थाना प्रभारी सौरभ राज, करहरबारी मुख्य प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, इरफान आलम, मोहम्मद सन्नी, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद नफीस, मोहम्मद आफ्ताब सहित कई गण्यमान्य बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। तमाम राज्यवासी एवं हमारे गिरिडीह शहरवासी, गिरिडीह जिलेवासी को मेरे तरफ से मुहर्रम के तहे दिल से मुबारकबाद, और इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि आने वाले दिन हमारे झारखंड का अच्छा से अच्छा हो और स्वस्थ सभी भाई रहे। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। खुदा जवान जो आज बेहतरीन खेल दिखा रहे हैं, तमाम वो कमेटियाँ जिन लोगों ने इस बेहतरीन खेल को मैं यहाँ मुहैया कराया, मैं बस इतना ही याद दिलाना चाहूँगा कि आज का दिन एक पवित्र और मुकद्दस दिन है। इस दिन में अपने देश, राज्य और शहर की अमर चैन की दुआ मांगे। मुझको पूरा भरोसा है कि रुकी हुई बारिश के तरीके से आने वाले दिनों में भी अमर चैन की बारिश होगी और देश, राज्य और शहर तरक्की के रास्ते पर बढ़ेगा। पचम्बा सर जमीन पे अखाड़ा का प्रोग्राम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सदर विधायक सुदीप कुमार सोनी जी उपस्थित रहे और करहरबारी मुखिया मुमताज भाई भी उपस्थित रहे और पचम्बा के मानिंदे लोग जैसे इरफान भैया, जाकिर हुसैन और काफ़ी लोग यहाँ पे सहयोग किए अखाड़ा को शांतिपूर्ण कराने में, और हमारे पचम्बा थाना प्रभारी श्री सौरभ कुमार जी का भी अहम भूमिका रहा, और हमारे पचम्बा सदर का जो है इंस्पेक्टर साहब श्री अनिल सिंह जी, वो भी उपस्थित रहे अखाड़ा में, और काफ़ी उन लोगों के प्रयास से बहुत बहुत शांतिपूर्ण से हमारे पचम्बा का अखाड़ा हुआ। इसके लिए मैं तमाम प्रशासन पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं नेतागण जो हमारे सुदीप कुमार सोनी जी आए हुए थे, इन सभी के मदद से हमारे पचम्बा में जो अखाड़ा शांतिपूर्ण से हुआ, उन तमाम उसके लिए मैं तमाम भाइयों दोस्तों को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ।